हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। आज बनाएंगे हम सोयाबीन के चूरे और शिमला मिर्च की सब्जी। तो ये मैंने सोयाबीन का चूरा लिया है और इसमें गर्म पानी डाल दिया ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और इसको एक साइड रख देंगे। तब तक कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें डालूंगी मैं 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि जो सरसों का तेल का कड़वापन होता है वो हट जाए, जो तीखापन होता है। और ये मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ काटी हैं, और 2 बड़े टमाटर काटे हैं, और 3 प्याज काटे हैं बारीक, 4 प्याज काटे हैं मैंने, और ये शिमला मिर्च भी मैंने बारीक बारीक काट लिए, और इसको मैंने पानी में रखा हुआ है। जो भी सारे जितने भी मसाले हैं हमारे, वो मैं सब इस टमाटर में डाल दूँगी। जैसे वो 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर हो गया, 2 चम्मच धनिया पाउडर हो गया, हल्दी आधी चम्मच हल्दी, और साथ में नमक स्वाद के अनुसार। इसमें थोड़ा अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इनका एक पेस्ट सा बन जाए, ताकि टमाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे जब तक कि हमारे प्याज नहीं भूनते। गरम हो गया, इसमें डालूंगी तेल, हमारा गरम हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं जीरा, और जीरे को अच्छे से पकने देंगे ताकि जीरे का कलर है जो वो चेंज हो जाए, और वो अपनी खुशबू तेल में छोड़े। डाल देंगे इसमें लहसुन, इसको भी थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे प्याज, फिर मैं बारीक बारीक काटा था, इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। प्याज हो गया ब्राउन, अब डालेंगे इसमें प्याज ब्राउन हो गया। अब इसमें डाले टमाटर, इसमें मसाले मिक्स कर दिया। अब इसी को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से पक न जाए। तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला जो मसाला रह जा रहा प्लेट में। अब हम इनको तब तक पकने देंगे जब तक कि हमारा जो मसाला है वो ऑयल में छोड़ दे। यहाँ पर मैंने ये देखिए जो भिगोए थे सोयाबीन का चूरा, वो अच्छे से फूल गया है। अब इसको अच्छे से मैंने पानी से वॉश करके उसका ये सारा पानी निचोड़ दिया है इनका। अब देख लेते जरा हमारे मसाले, शिमला मिर्च शिमला मिर्च डाल दी थी, तो शिमला मिर्च मेरे अच्छे से पक गई है। अब इसमें डालेंगे सोयाबीन का जो चूरा है वो डाल दूँगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। चूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो सोयाबीन की जो चूरा है उसको भी अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा मसाला का टेस्ट उसको भी आ जाए, और सब्जी हमारी भी टेस्टी बने। सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो मसाले वो अच्छे से उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जो चूरा है उसमें चला जाए। अब इसके बाद में उसको कवर करके पकने देंगे, 4 से 5 मिनट पकने देंगे, 5 मिनट तक, ताकि जो सारा मसाला है सब अच्छे से सब्जी में आ जाए अच्छे से। ये देखिए तैयार है हमारी सोयाबीन चूरा और शिमला मिर्च की सब्जी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।